देखिए, ये हमारी कपिला गौ माता है, काली इसका नाम है, काली ये पूरी तरह से काली है। इसे सहलाने में बड़ा आनंद आता है। देखिए, आप सब गायें वहाँ चल रही है, मगर ये यहाँ पर हमारे साथ ही खड़ी है। इसे चलने से ज़्यादा प्यार चाहिए। और हमारी ये काली गौ माता है। काली गौ माता का महिमा क्या है कि गौ माता की महिमा इनकी सूर्य केतु नाड़ी में होती है। ये देखिए, ये जो हम्प है ना, इसे सूर्य केतु नाड़ी बोलते हैं। जिसको भी ये हम्प नहीं होगा वो जर्सी में होती है। ये सूर्य केतु नाड़ी से ही इनके अंदर शक्ति होती है। ये पूरे सूर्य की, ब्रह्मांड की पूरी एनर्जी ऑब्जर्व करती है। और इसी सूर्य केतु नाड़ी से इनके जो गव्य होते हैं, गोमूत्र, दूध, दही, घी, पंचगव्य, इनका पान करने से हमारे त्रिदोष जो होते हैं, वात, पित्त, कफ, इनको वो सम करते हैं। अगर हमारे त्रिदोष अगर सम हो गया तो हमें कोई भी रोग नहीं होगा। इसके लिए काली गौ माता की बड़ी महिमा बताई गई है। और जो काली चीज़ें होती है वो सूर्य से सबसे ज़्यादा एनर्जी ऑब्जर्व करती है। आप देखते रहोगे कि जो हम काले कपड़े पहनते हैं तो हमें गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, तो उसी प्रकार सूर्य से काली गौ माता जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी ऑब्जर्व करती है बाकी गायों की अपेक्षा। इसके लिए हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में कपिला गाय की बड़ी महत्व बताई गई है। काली गाय जो होती है उसे कपिला गाय भी कहते हैं। तो इन गायों की बड़ी महत्वता है। इस प्रकार की हमारे पास दो गौ माता है, हमारे पास बेंद्रे वैदिक एग्रो फार्म में यहाँ पर हमारे पास दो कपिला गौ माता है। उसका दूध, घी, गोबर, गोमूत्र हम सब अलग करके भी हम अपने जो हमारे कस्टमर है हम उनको प्रदान करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये कितनी शांत है। चल जा, जा।